उत्तर प्रदेश के बरेली में दशहरा पर दो पक्षों के बीच विवाद होने की वजह से जो रावण के पुतले हैं वो नहीं दहन हो पाए और टीवी नाइन की टीम उसी पास में मौजूद है। देख सकते हैं तस्वीरों में ये रावण के पुतले हैं और 2021 से यही लगातार रावण का दहन होता था, लेकिन दो पक्षों के विवाद होने के बाद ये रावण के जो पुतले हैं वो दहन नहीं हो चुके हैं। यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने पुतलों के लिए छत पर रख दिया है, पार्क पर नजर आएंगे आपके लिए। और जब दोनों पक्षों में विवाद हुआ उसके बाद यहाँ पुलिस बल को भी तैनात कर दिया। हालांकि अभी भी यहाँ पुलिस बल को तैनात किया गया है, किसी चीज का कोई विरोध ना हो इसके लिए पुलिस बल को लगा गया है। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से रावण के जो पुतले हैं वो दहन नहीं हुए। हालांकि बरेली में कई जगह रावण के पुतले दहन हुए थे, लेकिन इस बार जो रावण के पुतले दहन ना होने से जो पंजाबी समाज के लोग हैं वो लोग आक्रोशित हैं। और तमाम लोग आपके लिए कैमरे के नजरों में दिखाई देंगे, इन्हीं से बात करने की कोशिश। भैया ये बताइए क्या हुआ था इस बार आपने जो पुतले रखने क्यों दहन नहीं हुए, क्या वजह रही, पूरी बात बताइए। भैया यहाँ पे 2021 से यहाँ पे पुतला दहन हो रहा है। वैसे तो हमारा मेला 67 साल से चलता हुआ आ रहा है जो कि स्टेडियम रामलीला ग्राउंड में होता था, लेकिन वो स्टेडियम वालों ने उसमें दीवार जो खड़ी कर दी उसकी वजह से हमारा मेला जो है वो बंद हो रहा था। हमने हमारी संस्कृति का को आगे बढ़ाने के लिए कि हमारे बच्चों को हम कहाँ दिखाने जाएंगे, इसलिए हमने इसको छोटा रूप देके ये इंदिरा पार्क में करना चालू करा था 2021 ने। 2021 में पंजाबी वोमेंस ने इसको करना चालू करा था, लेकिन एक हमारी संस्था है पंजाबी समाज विकास समिति जिसमें संरक्षक अतुल कपूर जी हैं जो यहाँ के पार्षद पति हैं, और उन्होंने इसका विरोध करा, उस संस्था ने इसका विरोध करा और यहाँ पे जो है रावण जलने नहीं दिया, पुतला दहन नहीं होने दिया और जगह जगह पे इसकी शिकायत करी, पर्यावरण अभियंता को करी, नगर निगम में नगर आयुक्त को करी और उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट को करी और CFO को करी। मतलब हर जगह जाके उन्होंने पूरी कोई कोशिश मतलब ऐसी नहीं छोड़ी, मतलब एक कोई जी कोई वो नहीं छोड़ा कि मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी कि जहाँ पे विरोध ना कराओ। अच्छा वो विरोध क्यों कर रहे थे जैसे 4 साल से लगातार दहन का, तो इस बार ऐसी क्या वजह बनी? मैंने अतुल कपूर जी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था जिसमें मैं दूसरे नंबर पे आया था, तो उस समय ये एक विष्णु इंटर कॉलेज है जहाँ पे वोटिंग होती है वहाँ पे ये फर्जी वोटिंग कराते, उस समय हमारा इनसे विवाद हो गया था, उसी विवाद को लेकर आज तक वो खुंदक रखे हुए थे। चलो वो तो चुनाव का विवाद था, ये तो सार्वजनिक तमाम लोगों ने पुतले बनाए, तो अब उनका ऐसा क्या था और लोगों ने विरोध किया था? वो धार्मिक उस विवाद को धार्मिक प्रोग्राम में उन्होंने यूज वो करा और अपनी जो भी उनको अपनी ताकत लगा मिली उन्होंने सारी ताकत अपनी लगाई, किससे फोन कराया, मतलब उनके मतलब कहने पर प्रशासन ने हमें मतलब पुतला दहन नहीं करने दिया। पहले मेयर साहब के यहाँ बैठ के हमारी बात हुई थी, मेयर साहब ने कहा था, मेयर साहब के सामने ये बात हुई थी कि आप पार्क में कोई भी आग से संबंधित कार्य मत करिए। हमने कहा हम पार्क में आग से संबंधित कोई कार्य नहीं करेंगे, जबकि दशहरा बगैर आग के नहीं होता, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन हमने तब भी कहा हम एक सांस्कृतिक प्रोग्राम करेंगे और अगर हम पुतला दहन करेंगे तो हम पार्क से बाहर कहीं से भी कर लेंगे। तो हमने पीछे हमारे एक मार्केट है, मार्केट वालों सबसे बात करी और हमने उनसे कहा कि आप हमें पुतला अपनी छत से दहन करने दीजिए, तो मार्केट वाले ने हमें परमिशन दी और हमने उनकी छत से, आप देखिए छत पे पुतले लगे, ऐसी 3 पुतले यहाँ पे छत पे लगे हुए थे, ये पुतला आज हवा के कारण गिर गया तो हमने यही नीचे रख दिया अभी। तो पुलिस मतलब मार्केट वालों ने हमें कह दिया, तो मार्केट वालों कहने में हमने छत पे पुतले लगा दिए, प्रशासन के सामने हमने ऊपर पुतले रखे तो हमें प्रशासन ने नहीं रोका। जब रात को 8 बजे के टाइम पे पुतला जलाने का टाइम वो हुआ तो प्रशासन हमें कहता है कि हम इसको जलाने की आपको परमिशन नहीं देंगे। CFO साहब आ गए, बोले हम इसे आपको जलाने नहीं देंगे, तो आप इसे नीचे उतार लीजिए। तो हमने उनसे कहा हम इसे नीचे नहीं उतारेंगे, हमने ऊपर चलाया था जलाने के लिए, अब हम आप इसे नीचे उतारिए, आप इसे जहां मर्जी ले जाइए, हम आपको रोकेंगे भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब पढ़ा लिखा समाज रहता है, कोई भी किसी ने भी ना तो प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए ना कुछ करा। अगर कोई और समाज होता, मेरे हिसाब से अगर कहीं और कोई भी समाज होता तो शायद ये सारा काम उनका हो गया होता, लेकिन ये यहाँ पे सब हिंदू सिख समाज रहता है, यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं हुआ, यहाँ पे ना तो पुतला जलाया दिया और सिख समाज पूरा इस समर्थन में था, सारा सिख समाज पूरा मॉडल टाउन का सिख समाज समर्थन में था कि यहाँ पे पुतला दहन होना चाहिए, लेकिन BJP के जो कार्यकर्ता हैं आज की डेट में BJP के कार्यकर्ता हैं, पंजाबी समाज विकास समिति के लोग, उनमें चारों लोग जो हैं BJP के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने इस चीज का विरोध किया और ना पुतला दहन नहीं होने दिया। अच्छा अभी जो आपका क्या नाम है?
हरविंदर सिंह बिंद्रा। अच्छा ये बताइए अब ये कब तक ऐसे रखे रहेंगे, पुतला दहन नहीं करने दिया है, क्या पुलिस को भी यहाँ उसी दिन तैनात कर दिया गया था? पुलिस को उसी दिन तैनात कर दिया गया, हमने तो कह दिया हमसे उस समय, फिर ये 9:30 बजे सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह बोले कि इनको दहन कर लीजिए, जब सब लोग चले गए तो क्या करते दहन करके। अच्छा पुतला दहन नहीं करने दिया, अब आप लोगों की क्या मांग है क्योंकि ऐसे रखे हुए हैं? हमारी तो ये मांग है कि जो उस समिति को ये पार्क दिया गया है वो ये किसी मंदिर को दे दिया जाए पार्क। अच्छा। उन लोगों ने तो पता नहीं कितना पैसा हड़प जाते हैं, वो लोगों से इकट्ठा करते हैं, हम तो कहते हैं मंदिर को पार्क दे दिया जाए, जो पैसा आए मंदिर में जाए, मंदिर अपने आप पार्क को संभालेगा, सही करेगा। मंदिर का आप हाल देख लीजिए क्या, ये भी जो जितनी आप देख रहे हैं सब भी, ये भी सब इन्हीं लोगों ने, बच्चों ने सब करवाया है यहाँ पर। ये तो ऐसा क्यों क्यों नहीं करने दे रहे हैं, जैसे आप 4 साल से लगातार सभासद है ना, यहाँ का सभासद का पति है। अच्छा 6 जने वो हैं और एक औरत है इसके अंदर, ये 7 जने हैं, उनका ईगो है। तो आप अपने हाथ से इन पुतलों को अब नहीं हटाएंगे? अब हमने क्या करने है हटवा के, साहब प्रशासन ले जाए जहाँ मर्जी करे, हम कहाँ ले जाए इन्हें घर पे। आपका कहना भैया? संदीप सबरवाल। अच्छा संदीप जी क्या मतलब क्यों नहीं करने दिया था, अब जो पुतले ऐसे रखे हैं क्या आप लोगों की मांग है? सर देखिए हमारी आस्था थी हमेशा हर जगह होती है, आपने कहा दशहरे का अगर मेला होता है तो पुतला दहन होता है, हमारे दशहरे का मेला यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से हुआ, सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, बहुत अच्छा था, पुलिस प्रशासन ने हमारे उस समय सहयोग करा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन पता नहीं कहाँ से उनका फोन आया, क्या हुआ, ऐसे ऊपर से प्रेशर क्या हुआ, जो एंड टाइम पे आपने पुतला मना कर दिया, जब बाद में यहाँ सब पब्लिक चली गई तो ये कह रहे हैं आए, उन्होंने कहा अब आप पुतला रात को 10 बजे जला सकते हैं। तो हमने कहा साहब जब मेला था पब्लिक के सामने पुतले का दहन होना था, पब्लिक की नहीं है तो हम 4 लोग मेला जला के किसको दिखाएंगे और कौन देखेगा यहाँ पे क्या हमें दहन हुआ है? तो हमने कह दिया कि हम तो अब इसको जलाएंगे नहीं और नाम इसको नीचे उतारेंगे, आपको जो करना है इस पुतले के साथ लेके चले जाइए, जैसे मर्जी करिए, अब आप देखिए हम तो इसमें कुछ नहीं करेंगे। अच्छा उस दिन पुलिस ने भी कोई मदद नहीं की, दोनों पक्षों लगातार बात तालाब भी होती रही, उसके बाद भी कोई आपको राहत नहीं मिली? सर मदद तो क्या थी, क्या था कि पहले तो हमारे तय हो गया था कि आप पार्क की जो हद है उससे बाहर चलाएंगे, हमने यहाँ से मार्केट के बाद सबसे परमिशन ली, चलाई, एंड टाइम पता नहीं क्या ऐसा हो गया जो सीएफ कहमे के आए और उन्हें मना कर दिया, सिटी मजिस्ट्रेट साहब ने जो थे सीएफओ साहब, पता नहीं कहाँ से प्रेशर आया किस चीज़ का आया, एंड टाइम मना कर दिया, उसके बाद अपनी फोर्स यहाँ पे लगा दी कि पुतला दहन नहीं होगा, जब यहाँ से पब्लिक चली गई फिर बाद में कह रहे हैं कि आप 10 बजे का पुतला दहन कर लीजिए, तो ये कौन सा सर समझ गया हमें ना, पब्लिक के सामने क्या पुतला दहन अगर होता है तो पब्लिक देखेगी ना, हमने किस लिए आयोजन किया था कि पब्लिक देखेगी ना, जब पब्लिक ने 4 लोग कहा पुतला दहन कर क्या फायदा था उसमें? पुतला दहन कर रहे थे, एक रस्म कर रहे थे, ना इनके पैर लगाए, ना इनके हाथ लगाए, ना उनके सिर लगाए, कि ऐसे ही बसे खाली तीली लगाएंगे छुट्टी, ना तो बम लगाए, ना कोई बम लगाया गया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं किया गया, ऐसे ही करना था इसको दान, एक रस्म की परंपरा पूरी कर ली जाए, लेकिन परंपरा भी आप देखिए हम हर चीज से कम्प्रोमाइज करने को जाते हैं, खंडित पुतले कहीं आप देख, खंडित मूर्ति कहीं की पूजा नहीं होती है, हम फिर भी इस चीज में तैयारी चले खंडित पुतले हैं, कोई बात नहीं, परंपरा पूरी हो जाएगी, पब्लिक इतनी आई हुई है, लेकिन वो भी हमें एंड टाइम पे आके उस चीज को रोक लगा दी गई। मान लीजिए क्या माना ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, लगातार चला आ रहा है, क्या उनका ऐसा विरोधाभास क्यों हो गया अचानक? पता नहीं हमें तो क्या, मैं कि हमारे तो मेयर साहब से बैठ के वहीं मीटिंग हुई थी तो सब उन्होंने पूरा हल निकाला, ऐसा नहीं है, लेकिन एंड टाइम पर नहीं, ऐसे कहाँ क्या हो गया जो उन्हें आके एंड टाइम पे हमें पुतले जाने को मना कर दिया, कहाँ से फोन आया, कहाँ से क्या हुआ, ये तो सर हम तो इसका कुछ नहीं देखते, हम तो बस यही है, हमारी मांग यही है कि पुतला अब आपने हटाना, आप ले जाइए, हमारी आस्था का विषय था, बहुत लोगों की यहाँ भावना को ठेस पहुंचा है कि दशहरा बिना 100 साल में पहली बार आपने देखा होगा बिना पुतला दहन के दशहरा हुआ है, बहुत लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है, तो हम तो यहाँ से पुतले अपनी हटाएंगे, जिसको यहाँ से प्रशासन को, शासन को जिसको हटाना है अपना लेके चले जाएंगे। तो देखिए 100 साल की जो आस्था थी रावण के जो पुतला दहन का उस पर ठेस पहुंची, इनका साफ तौर भी कहना है, पीछे की एक बार मैं अपने कैमरा में इसको फिर तस्वीर लगा, छत पर जो है वो रावण के पुतले दिखाई देंगे, इन लोगों को साफ यही कहना है कि पुलिस प्रशासन जो भी है वो इन पुतलों को हटाए या ना हटाए, लेकिन अब वो उस पुतले को नहीं हटाएंगे, 100 साल से लगातार जो परंपरा चली आ रही थी उस परंपरा को इस बार कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के बीच में विरोधाभास होने की वजह से रोक दिया है, इन लोगों में नाराजगी जाहिर है और साफ तौर पर कहना है कि यहाँ के जो पार्षद के पति हैं उन्होंने और उनके तमाम जो ऐसे लोग हैं उन्होंने मिलकर यहाँ पुतला का दहन नहीं होने दिया। वीडियो संजीव के साथ मनवीर सिंह, TV9 बरेली।